नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवानी घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस झड़प में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए हैं। वह 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थे। बताया जाता है कि शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू सोमवार को चीनी पक्ष से हुई बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सोमवार को देर रात हुई हिंसा में वह शहीद हो गए। इससे पूर्व भी वह तनाव कम करने को लेकर हुई कई बैठकों का नेतृत्व कर चुके थे। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सोमवार की रात जब चीनी सैनिक तय कार्यक्रम के अनुसार पीछे नहीं हटी तो कर्नल बाबू स्वयं उनसे बात करने के लिए गए थे। इसी दौरान चीनी पक्ष की तरफ से उनके साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाब दिया। इससे दोनों तरफ से हिंसा शुरू हो गई। पत्थर और लाठी डंडे चले, दोनों पक्षों में कई लोग घायल हो गए, कई लोग लापता भी हुए, हालांकि बाद में वे लौट आए। सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मंगलवार देर रात तक कुछ सैनिक लापता थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कर्नल संतोष बाबू के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। इस खूनी झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के दो सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक हवलदार पलानी तथा हवलदार सुनील कुमार भी शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।